गुड मोदी केयर में दोस्तों, आज मैं फिर एक वीडियो लेके आया हूँ। और मैं आज जो अपने मोदी केयर में एक बासमती राइस लॉन्च हुआ है प्रीमियम, जो प्योर प्योर आप कह सकते हैं, जैसे कि कोई चावल मिलावटी नहीं। आपने देखा रहेगा बहुत सारे चावलों में चाइना के प्लास्टिक के ये चावल मिक्स होके आते हैं और लोग खाते हैं और उसको बीमार होते हैं। तो ये सब सारी चीज को, हेल्थ को देखते हुए हमारे मोदी केयर ने एक प्रीमियम प्योर जो है राइस, बासमती राइस लॉन्च किया है। तो मैं आज उसको कुक करूंगा और मैं बनाऊंगा कि मैं देखूंगा कि आज वो चावल कैसा बनता है और उस कैसा टेस्ट होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये हमारा बैग है और ये बैग जो है आप देख रहे हैं कि 5 केजी का बैग है, 5 किलो का बैग आता है। और इसमें पूरा लिखा हुआ है आपको कि इंजॉय द ओरिजिनल टेस्टी एंड एरोमा ऑफ द प्योर बासमती, जैसे मैंने आपको बताया। और इसकी जो प्राइस है 950 है। और अगर आप इसके अंदर ज्वाइंट होके लेते हैं तो ये आपको 750 में आता है। तो हम चलते हैं, इसको पहले ओपन करते हैं। ओपन करके चावल को देखते हैं कि कैसा होता है ये। तो जैसे कि मैंने ये कट किया है और इसको कट करके मैंने ये जो होगा तो ये निकल गया चावल। और वाह, कितना खुशबू, बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। खोलते ही बासमती चावल का खुशबू आ रहा है। ये देख सकते हैं आप कितने बड़े बड़े हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं बनाने को। तो ये चावल जो है इसके लिए हमें टोप लगेगा, तो हमें टोप लेते हैं और इसके अंदर हमको जितनी जितनी की ज़रूरत होती है, जितनी ज़रूरत होती है हम उतना चावल निकालते हैं बनाने के हिसाब से। जितने जितना आपके पास, जितनी की आपको ज़रूरत होती है, आपके घर में कितने मेंबर हैं उसके हिसाब से आपको चावल लेना है। हालांकि ये चावल थोड़ा थोड़ा बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा होता है, उसके हिसाब से जो है आपको लेना होता है। तो चलिए इसको पहले हम धोते हैं, थोड़ा पानी को साफ करते हैं। थोड़ा और हम चावल लेते हैं क्योंकि कम होगा। हमारे घर में चार लोग हैं, तो चावल डालते हैं। ये हमने डाला और इसको फिर हम थोड़ा इसकी धुलाई करते हैं। इसकी खुशबू बहुत आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। और इसको हम जो है धोते हैं। एटलीस्ट 2-3 पानी में धोया जाता है इसको। कम से कम आपको 3 पानी से धोना है इसको। कम से कम आपको 3 पानी से धोएंगे तो अच्छे से साफ हो जाता है। ये फाइनल चावल की धुलाई हो गई है। अभी हम इसको पानी डालते हैं। लोगों का बनाने का तरीका अलग अलग रहता है, कैसे बनाते हो। ये मैंने पानी भरा है, मुझे इसमें थोड़ा चावल जो है हमने रखा है। और इसको हम थोड़ा गैस जलाते हैं, गैस को जलाते हैं। हमने गैस को चालू किया, इसके बाद इसके अंदर हम थोड़ा गैस हमने चालू कर दिया है, बट इसको थोड़ा टेस्टी करने के लिए थोड़ा सा हम जो है नमक लेते हैं, जिसके अंदर जो थोड़ी सी हमने नमक डाला है। इसके बाद एक हम एक हाफ स्पून जो है ऑयल लेना है, जो इसके अंदर हमने थोड़े से ऑयल हमके डालने हैं इसके अंदर। ऑयल डालना है, इसके बाद हमें इसमें थोड़ा सा हमने अभी ऑयल डाल दिया है। ऑयल डाल के हम इसको थोड़े से चावल को मिक्स कर देते हैं और उसके बाद हम इसका स्लो 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 ये करके गैस को थोड़ा
थोड़े टाइम फास्ट रखते हैं, उसके बाद जैसे ही वो पानी थोड़ा गर्म होता है तो हम उसको थोड़ा स्लो करते हैं, उसके बाद फिर पकता है तो फिर हम देखते हैं। चलो आइए देखते हैं कि चावल बहुत जल्दी पक गया, अभी देखते हैं कैसे पता चलता है कि चावल पक गया है। तो पहले क्या है कि चावल को पूरा पकने नहीं देना, चावल को थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूंगा कि चावल किस तरह से हुआ है। ये देख सकते हैं आप कितने बड़े बड़े ये चावल हो गए हैं। तो फिर ये चावल पूरा पकना पकना नहीं चाहिए कि थोड़ा आधा, मतलब कहते हैं आधा कच्चा और आधा पका हुआ रहे। तो हम इसको थोड़ा एक टेस्ट कर लेते हैं कि ये देख लीजिए चावल थोड़ा अभी भी कच्चा है। तो मैं इसके जो पानी थोड़ा ज्यादा है, जो पानी का मात्रा है, मैं उसको कम करूंगा। तो मैं इसके पानी के इसका निकालने की कोशिश करूंगा। ये पानी मैंने निकाला, इसको मैं पानी निकाल रहा हूँ इसका। कितनी खुशबू आ रही है इसका, मतलब जो भाप निकल रहा है इससे, बासमती पूरा घर में बासमती बासमती जैसा लग रहा है। तो मैंने इसके पानी पूरा पानी को आपको निकाल देना है, इतना कि ये पूरी तरह से ड्राई हो जाए, सूख जाए, तो ही ये चावल का कहते हैं कि मज़ा आएगा फिर देखने में और इसको फिर खाने में। तो ये पूरी पूरा हमने इसका पानी जो है हमने इसको निकाल दिया है इसके अंदर से। और इसके बाद हम एक बार देखते हैं कि ये पानी निकलने के बाद में चावल कैसा दिख रहा है। तो मैं ये दिखाना चाहूँगा कि एक बार ये देख लेते हैं, बट अभी भी चावल पूरा पका नहीं है। मैं इसको अभी थोड़ा गैस पे स्लो आंच पे रख के एक 2 से 3 मिनट तक मैं इसको और वेट कराऊंगा। चावल के अंदर जो बचा हुआ पानी है, थोड़ा जो हल्का पानी, जो मॉइस्चराइज जैसा पकड़ा हुआ पानी, वो सूख जाना चाहिए। उसके बाद फिर चावल की क्वालिटी को देखते हैं। क्या ये देखते हैं कि चावल हमारा पक गया है। तो अब आइए देखते हैं कि कैसा ये चावल हुआ है। चावल बहुत अच्छा हो गया है हमारे हिसाब से। तो अब ये चावल देख सकते हैं कितना है। तो मैं इसको थोड़ा निकाल के आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि चावल जो है, ये देख सकते हैं आप कि किस तरह से चावल जो है, एक एक दाने जो है ये देखिए कि अलग अलग हो गए हैं। तो चावल कहते हैं कि अलग अलग रहता है, दाने जैसे दिखते हैं तो ये अच्छे लगते हैं। कितने बड़े बड़े आप चावल अंदाजा लगा सकते हो कि ये चावल जो है देखिए कितने फ्रेश और फ्री हुए हैं एकदम, जिसको हम अच्छे तरह से खा सकते हैं, टेस्टी कर सकते हैं। तो ये चावल बहुत ही खुशबूदार, एकदम खुशबू और अच्छादार हुआ, अच्छा हुआ है। बड़े बड़े चावल में बनाना चाहता हूँ। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि चावल तो बहुत ही अच्छा है और एक भी चावल टूटा नहीं, टूटता नहीं है। अगर आप सही तरीके से बना रहे हो, सही ढंग से बना रहे हो, तो आपका एक भी चावल टूटेगा नहीं और पूरी तरह से चावल जो है आपको पक जाएगा। और पक जाने के बाद में ये आपको खाने में ही अच्छा लगेगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं एक मोदी केयर का पूरी तरह से सेल्फ यूजर हूं। मैं वही चीज बाहर से लाता हूं जो हमारे मोदी केयर में नहीं है। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा हमारे किचन में, देखिए पूरे किचन के रेंज रखे हुए हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे पास ये सप्लीमेंट के लिए प्रोटीन क्रस्ट, आल प्रोटीन प्लांट, नोनी जूस, करेला जूस, राइस ब्रैन ऑयल, कच्ची हनी, ये सारे चीज जो है हमारे मसालों के रेंज हमारे पास सब रखे हुए हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं पूरी तरह से मोदी केयर का प्रोडक्ट यूज करता हूँ। यूज करने का रीजन क्या है कि इससे हमारे जो फैमिली है, हम है, पूरे स्वस्थ और हेल्थी रहते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं और एक मोदी केयर से हम एक अच्छा पैसा भी अर्न करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।